हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन है उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे बेस्ट कंट्री कौन है इंडिया से सऊदी अरेबिया आने के लिए। बेस्ट किस सेंस में? जहां पे कोविड रेगुलेशंस कम हो, वीज़ा का प्रोसेस बहुत सिंपल हो, कॉस्ट बहुत कम हो, फ्लाइट्स का टिकट सस्ता हो, है ना। ये आपके लिए बेस्ट कंट्रीज़ है। तो अभी मैं जब आपको बताऊंगा सारे कंट्रीज़ के बारे में, तो जब 193 कंट्रीज से कुछ कंट्रीज बच जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके आपके लिए सबसे बेस्ट कौन है। 193 कंट्रीज़, कई लोग ये सोचेंगे कि बहुत सारा कंट्रीज़ है, मैं 193 क्यों बोल रहा हूँ। 193 UN रिकॉग्नाइज कंट्रीज है, बाकी 300 प्लस कंट्रीज है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वीडियो को आप डिटेल में देखिए, स्किप मत कीजिए, अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। बहुत मेहनत लगा है मुझे इस वीडियो बनाने में, तो पूरा देखिएगा, समझिए, और कुछ सवाल होगा तो बाद में पूछिएगा। ओके, तो कोई भी कंट्री में हमें ट्रैवल करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया से उस कंट्री के लिए फ़्लाइट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बबल एग्रीमेंट है इंडिया के साथ, इंडिया और कोई दूसरे कंट्री के साथ बबल एग्रीमेंट है, उसके तहत फ़्लाइट आ रहे हैं और जा रहे हैं, ओके, उस कंट्रीज़ को देखने पड़ेंगे। ये आपके स्क्रीन में एक लिस्ट है 23 कंट्रीज़ का। ये लिस्ट मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के वेबसाइट से लिया है, अपडेट होता रहता है। ओके, तो अभी फिलहाल हम यही 23 कंट्रीज को कंसीडर करेंगे। इन 23 कंट्रीज में से ही हम कोई एक कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया से उसके लिए फ्लाइट है। अगर आप बोलेंगे कि मैं वाया दुबई ट्रांजिट करके जाऊंगा, तो ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन हम ये 23 कंसीडर करेंगे आज के इस डिस्कशन में। ओके, अब इन 23 कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो सऊदी ने सस्पेंड किया है। ये आपके सामने जो लिस्ट है, ये सऊदी के जो 20 सस्पेंडेड कंट्रीज़ हैं उसके लिस्ट है। ओके, और यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं 23 जिसके साथ बबल एग्रीमेंट्स हैं, उसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको सऊदी अरेबिया ने बैन करा है, या फिर वो कुछ कंट्रीज़ अपने आप के बॉर्डर को सील कर लिया है। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? ओके, सबसे पहला आप देखिए 7 नंबर में फ्रांस है, जो रेड कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सऊदी ने सस्पेंड करे हैं। 7 नंबर में है फ्रांस, फिर है जर्मनी, फिर है जापान, ओके, फिर UAE एंड USA। इन कंट्रियों को सऊदी ने बैन कर रखा है। अब कुछ कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने बॉर्डर खुद ही बंद कर रखे हैं। कौन कौन से कंट्री हैं? पहला कुवैत, ओके, आपको पता है, ओमान जो 8 तारीख से बंद करा है, और एक है भूटान। भूटान का आप लोगों को पता नहीं होगा, तो इसलिए मैंने वहाँ के टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उनको कांटेक्ट करा, तो ये जो ईमेल आप देख रहे हैं वो उनके तरफ से, उन्होंने कहा है कि सितंबर 2021 के बाद से हम टूरिस्ट को वेलकम करेंगे। तो अब इस कितना 5 + 3 8 कंट्रीज़ हो गए, जिन 23 से हम माइनस कर देंगे। तो बचे कौन से कंट्रीज़? ये 15 कंट्रीज़ बचे। ओके, अब इन 15 कंट्रीज़ में भी हमें सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा कंट्री सेलेक्ट करें। अब इनमें से भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बहुत हाई होगा, या फिर वीज़ा का रेगुलेशंस काफ़ी लेंदी है, तो उस कंट्री से तो हम जाना नहीं चाहेंगे। तो अभी इन 15 कंट्रीज़ में से भी हम कुछ कंट्रीज़ को रिमूव करेंगे। इसमें से जो आप देख रहे हैं रेड मार्क किया हुआ कंट्रीज़ है, जैसे कि कनाडा, इराक, केन्या और नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओके, और एक है रवांडा, तंजानिया एंड यूक्रेन। मुझे नहीं लगता है आप कोई भी इन कंट्री से जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप नेपाल से जाने के लिए 10 बार सोच रहे हैं, तो इन कंट्री से तो आप जाने के लिए सोचेंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा, फ्लाइट टिकट्स काफ़ी महंगे होंगे, वीज़ा का रेगुलेशंस लेंदी होगा। ओके, तो अब हम इन कंट्रीज़ को भी हटा देते हैं लिस्ट से। तो इन कंट्रीज़ को हटा देने के बाद बचे कितने? 7 कंट्रीज़। ये 7 कंट्रीज़ बच गए हैं। अब इन 7 कंट्रीज से हमें सेलेक्ट करना है कि हम कौन से कंट्री से जाएं। ओके, अब इन 7 कंट्रीज में से बचे कौन कौन से हैं? एक हो गया अफगानिस्तान, एक हो गया बहरेन, एक हो गया बांग्लादेश, इथोपिया, नेपाल, कतर एंड मालदीव्स। अब इन 7 कंट्रीज में से आपको बहरेन, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव्स के बारे में तो पता ही है, सब कुछ पता है आपको, क्या वीज़ा रेगुलेशन है, कोविड के क्या रेगुलेशंस है, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल कितना आएगा। बचा 3 कंट्री, अफगानिस्तान, इथोपिया और एक कतर। अब अफगानिस्तान और इथोपिया का जो वेबसाइट है उसको मैंने बहुत एक्सप्लोर करा, चाहे वो उनके नेशनल कैरियर्स हों, फ्लाइट्स हों, जो
कंट्री के अपने फ्लाइट्स होते हैं, उनके वेबसाइट, गवर्नमेंट के जो टूरिज्म वेबसाइट्स होते हैं, कहीं पे भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, कहीं पे भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें। बाकी कतर आपको पता होगा कि अभी सऊदी और कतर के बीच में रिसेंटली ही कनेक्टिविटी स्टार्ट हुआ है, तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है उसमें भी। तो इन तीन कंट्रीज़ के बारे में मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं पूरे साइकिल कंप्लीट करने के लिए कि आप जीरो से लेके फाइनल सऊदी अरेबिया कैसे पहुँचेंगे। आप अपने से भी होमवर्क कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। ऐसे इथियोपिया के लिए ई वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको मिल सकता है, 4 से 5 दिन लगता है, वेबसाइट में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब बचे कितने कंट्रीज, बहरेन, बांग्लादेश, मालदीव एंड नेपाल। ओके, अब आप सेलेक्ट कर लीजिए इन 7 कंट्रीज में से आपको जाना किस कंट्री से है। अगर आप सोचेंगे कि मैं उस कंट्री से जाऊं जहां सेफ्टी फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल भी बहुत कम हो, कोविड रेगुलेशंस बहुत ईज्ड हो, ओके, फ्लाइट्स टिकट सस्ता हो, तो आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कंट्री मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फैक्टर्स में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और एक बात, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई दूसरे कंट्री से चले जाऊं, इन जो भी मैंने कंट्रीज़ बताए, तो आप भी जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं। अगर आप इंडिया से दुबई चले जाते हैं, दुबई से कोई दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री ट्रांजिट करते हुए सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट, जब कोई भी आदमी वाया नेपाल, वाया मालदीव, वाया बांग्लादेश, ओके, बहरेन आने से पहले 10 बार सोच रहा है, जो पब्लिक डोमेन में सारे प्रोसेस हैं, डिटेल प्रोसेस है, जो लोग आए हैं उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये नए कंट्री से जाने के लिए रिस्क लेंगे। लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, कोई जा रहा है तो आप बताइएगा, ताकि मैं भी बाकी लोगों को सारे डिटेल्स बताऊंगा। ओके, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे जो मैं आपको देना चाह रहा था। तो अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हैं, इंडिया में हैं और अभी आप प्लान कर रहे हैं कि मैं सऊदी अरेबिया जाऊं, कोई भी एक कंट्री सेलेक्ट कीजिए। अगर आप 4 कंट्री सेलेक्ट करेंगे, 5 कंट्री सेलेक्ट करेंगे, तो किसी से भी नहीं आ पाएंगे, वहीं के वहीं बैठा रहेंगे। एक कंट्री सेलेक्ट कीजिए, सारे प्रोसेस आपको पता है, डिसीजन लीजिए और ट्रैवल कीजिए। या ट्रैवल कीजिए या चुपचाप बैठा रहिए जब तक आपका फ्लाइट नहीं खुल जाता है। अगर आप विजिट वीज़ा वाले हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो री एंट्री वाले हैं उनका वीज़ा अगर ज़्यादा दिन हो गया, एक्सपायर हुआ वाला, तो यहाँ पे रिन्यू होने में तकलीफ होता है, तो इसके लिए उनको तो आना ही पड़ेगा। और डे बाय डे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो बढ़ रहा है। ओके, डे बाय डे कॉस्ट ऑफ जो ट्रैवल है वो बढ़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपके अगर कोई फ्रेंड है अभी उस फेज में है, डिसीजन मेकिंग फेज में, ऐसे वैसे वाले में, तो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझे कि भाई हमारे पास कितना लिमिटेड ऑप्शंस है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।